पहले मरहले के लोकसभा इंतखाबात के तहत तेलंगाना में 9 अप्रैल की शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम हुआ है, जबकि असम्बली हलके जात में 1 घंटा कबल यानी शाम 4 बजे इंतखाबी मुहिम ख़त्म हुई, जबकि ज़िला निज़ामबाद में इस मुहिम का इख्तिताम 6 बजे किया गया। रियासत के 17 लोकसभा नशिस्तों पर इंतखाबात मुनाक़िद हो रहे हैं। रियासत में 2,97,08,594 वोटर्स मौजूद हैं, जिनमें 30,726 मर्द और 1,47,76,370 ख़वातीन शामिल हैं। रियासत गिर सतह पर 34,604 पोलिंग मराकज क़ायम किए गए हैं। वाज़ेह है कि रियासत में 17 पार्लिमानी हलकों में जुमला 443 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जिनमें सबसे इजाफी उम्मीदवार निज़ामबाद पार्लिमानी हलके से हैं। निज़ामबाद से 185 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। वाज़ेह हो कि लोकसभा इंतखाबात की तारीख के ऐलान के साथ ही मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों से चलाई गई। सियासी कायदीन अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए इंतखाबी रैलियों, जलसों और रोड शोज मुनाक़िद करते हुए सरगर्म दिखाई दिए। इंतखाबी मुहिम का 9 अप्रैल को इख्तिताम हो गया है और 11 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात और फिर उसके बाद होने वाले नतायज क्या होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।